ग्राम प्रधान ने असमौली मील पर लगाया आरोप। आज जिलाधिकारी कार्यालय में आए योगेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान सरकड़ा कमाल ब्लॉक जोया थाना रजबपुर ने बताया कि हमारे गांव के लोग 2 माह से परेशान हैं। असमौली का मील गन्ना लेने से मना कर रहा है। किसानों का गन्ना अभी तक काफी खड़ा हुआ सूख रहा है। इस परेशानी के बारे में हमने मिल प्रशासन को भी अवगत करा दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्राम प्रधान ने बताया कि एसडीएम साहब को जब अवगत कराया तो एसडीएम साहब ने हमारे क्षेत्र के लेखपालों को भेजा तो मिल में 4% की घट तौली पाई गई। मिल प्रशासन के सीएम इंदु कुमार शर्मा ने कहा कि आप अपना गन्ना किसी को भी दे सकते हैं, हम गन्ना नहीं लेंगे। इसलिए आज हम जिलाधिकारी जी के पास आए हैं और हम डीएम साहब से अपील करते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। योगेंद्र ग्राम प्रधान सरकड़ा कमाल के साथ दर्शन में मौजूद रहे राजपाल रविंद्र सिंह, दिवाकर सिंह, विजेंद्र सिंह, नारायण सिंह। क्या नाम आपका? मैं नाम योगेंद्र सिंह, मैं ग्राम प्रधान पति हूँ सरकड़ा कमाल जोया ब्लॉक से। बताइएगा आज कैसा आना हुआ है? हमारा आना ये हुआ, हम सभी ग्रामवासी करीब करीब 2 माह से इतने गन्ने से पीड़ित हैं, गन्ने की समस्या से, कि हमारा असमौली मिल जो है, जो मिल लगती है हमारे गाँव की, असमौली मिल है और गन्ना सोसाइटी हमारी अमरोहा है। तो अब कई दिन पहले हम मिल प्रशासन को भी अवगत करा चुके हैं कि भी गन्ने की समस्या हमारी बढ़ती जा रही है और गन्ना हमारा समय से नहीं उठ पा रहा है, पशु हमारे भूखे मर रहे हैं, खेतों में हमारा गन्ना सूख रहा है। तो मिल प्रशासन को हमने कई बार अवगत कराया कि भी हमारी समस्या का कुछ निदान करा जाए, लेकिन मिल प्रशासन ने हमारी तरफ किसी भी तरीके का कोई ध्यान नहीं दिया गया। अभी 3 दिन पूर्व लगभग हुए हैं, क्या तारीख थी? 11 तारीख की समथिंग, 11 तारीख ने हमने जो है डीसीओ साहब को जो अवगत कराया। डीसीओ साहब को बोला कि सर हम इस तरीके से परेशान हैं, हमारा गन्ना नहीं उठ पा रहा है और किसान सभी बहुत परेशान हैं। तो हमने डीसीओ साहब ने फिर जो है सचिव महोदय को भेजा, जो 84 क्या नाम उनका शायद हमारे जो गन्ना जीपी गोस्वामी हमारे जो बीच पहुंचे। फिर हमने एसडीएम महोदय को, एसडीएम साहब को जो अवगत कराया, एसडीएम साहब हमने भी जो है हमें वहाँ एक अपने प्रतिनिधि तौर पर हमारे जो क्षेत्र के लेखपाल वो उनको भेजा। फिर हमने कहा कि भाई हमारे यहाँ घटतौली बहुत समय से चली आ रही है, लेकिन मिल प्रशासन इस चीज़ को नकारता रहा। जब एसडीएम महोदय ने जो बाट माप विभाग को बुलवाया, मौके पर भिजवाया, तो उन्होंने जब वहाँ देखा तो उस पर 3 से 3.5% घटतौली, वहाँ 3.5-4% समथिंग घटतौली जो है उन्होंने पकड़ी है जो बाट माप विभाग ने एसडीएम महोदय के समक्ष और सचिव गन्ना समिति के समक्ष। तो इस चीज़ के लिए जब हमने कहा कि भाई हमारा जो शोषण बराबर हो रहा है, तो उसमें फिर हमने मिल प्रशासन से कहा कि इसे घटतौली को जो इसके करा जाए, जीरो करा जाए और हमारा समय से गन्ना जो आपूर्ति करा जाए। तो मिल प्रशासन ने हमें ये धमकी दी है। सीएम साहब हैं सीएम केन इंद्र कुमार जी, इंद्र कुमार शर्मा जी ने कहा कि आप जैसा बेचना चाहें गन्ना बेच दें, हम आपका गन्ना नहीं लेंगे। लेकिन हमने कहा कि भाई आप लिख के दे दो हमें कि भाई आप हमारा गन्ना नहीं लेना चाह रहे तो हम दूसरी मिल से जो अपना संपर्क बनाएंगे। हमने गन्ना सोसाइटी वालों से सचिव महोदय से कहा, उन्होंने लिख के भी नहीं दिया कि भी हम अपना गन्ना लेंगे ना किसी को लेने देंगे। अब इसमें क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हम सभी पूरा गांव पीड़ित है, पूरा गांव आपके सामने आया हुआ है, बाकी कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं। तो ये चाहते हैं कि हमारा समय से गन्ना गिरे, समय से हमारी पेमेंट हो, गन्ना जो हमें जो खेतों में खड़ा हुआ है कम से कम मई तक हमारा गन्ना गिर पाएगा, इस स्थिति से अप्रैल तक और मई जून तक जो स्थिति है। तो मिल प्रशासन हमें जो बार बार धमका रहा है कि हम ना आपका गन्ना उठने देंगे, ना आपका गन्ना हम जो गिरने देंगे, ना ही कहीं बाहर जाने देंगे, तो आपको हम जैसे आप हम आपको चाहेंगे उस तरीके से हम आपको यूज करेंगे।